आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। गुजरात का छोटा सा गांव वडनगर, छोटी सी उम्र में वो विदेश का पीएम बनेगा, कभी नहीं बन सकता। दिल्ली में संसद के बाहर एक चाय का स्टॉल खोल देंगे, पूरे दिन चाय डिस्टर्ब रहेगा। बड़वानी में भाजपा ने आज शाम का पूरा शो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म का बुक कराया। कार्यकर्ताओं के साथ नवनिर्वाचित भाजपा के खरगुन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल कार्यकर्ता के साथ पहुंचे। फिल्म की कहानी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में आने यानी छात्र जीवन से लेकर उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने और फिर देश का प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी है। इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय को 9 अलग अलग रूप में दिखाया गया है। बीजेपी की तरफ से शो दिखाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? हमें बड़ा गर्व है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के दीवानों के ऊपर पिक्चरें बनाई गई थी और किस प्रकार से देश गुलाम था और देश को आज़ादी करने के लिए किस प्रकार के लोग लगे थे, उन पर कई प्रकार के हमारे भारत में कई कलाकारों की पिक्चर बनी। और आज गौरव होता है कि देश की 21वीं सदी होने वाली है, पूरे विश्व की 21वीं सदी बनने वाली है। इसको बनाने वाले हमारे देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर एक पिक्चर प्रसारित की गई है जिसके बारे में देश और दुनिया के लोग जाने किस प्रकार का जीवन उनका था, किस प्रकार का समर्पण इस देश के प्रति उनका था, किस प्रकार की भावनाएं इस भारत माता के प्रति उनकी रही है, तो वो किस प्रकार के विचार को लेकर इस देश के लिए काम करना चाह रहे हैं। इन तमाम प्रकार के विचारों को लेकर उनका जीवन परिचय और जीवन में होने वाली विभिन्न घटनाओं को लेकर एक पिक्चर बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी सबकी इच्छा थी कि हमारे इस लोकसभा के भी काफ़ी कार्यकर्ता इस पिक्चर को देखें। आने वाला समय इस हिंदुस्तान का समय है और उसमें हम सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रहे, उनके जैसा आदर्श जीवन हमारे सब कार्यकर्ता भी व्यतीत करें और देश निर्माण में भी हमारे कार्यकर्ता लगें, इसी प्रकार से पिक्चर दिखाने का आयोजन किया गया है। देश के सभी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई पिक्चर को देख रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास हमारा था। एक छोटा सा प्रयास है कि सब कार्यकर्ता इसमें देखें, यही हमारा अभियान है।